यदि आप मुंबई में रहते हैं और किसी कारणवश अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और आपके चेहरे पर मास्क नहीं है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अब आपसे जुर्माना वसूलने के साथ साथ आपके खिलाफ दर्ज हो सकता है मुकदमा। मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उन लोगों से टीका लगवाने की विनंती की है जिन्होंने अब तक कोविड रोधी टीके की कोई खुराक नहीं ली है। इसके अलावा महापौर किशोरी पेडणेकर ने यह भी कहा कि 94% मृत्यु वैक्सीन नहीं लगाने की वजह से हुई है। मुंबई की महापौर ने यह भी कहा कि फिलहाल कोरोना वायरस के आंकड़ों में गिरावट आ रही है लेकिन इसे और भी कम किया जा सकता है, जिसके लिए सभी को सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में प्रशासनिक महकमे का सहयोग करना होगा। आपको बता दें कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर नियम को और भी सख्त बना दिया है। मुंबई में बिना मास्क के निकल रहे लोगों पर बीएमसी की ओर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए बीएमसी की ओर से नियुक्त किए गए फील्ड मार्शल, इसके अलावा मुंबई पुलिस के मार्शल अपनी नजरें बनाए हुए हैं। जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मुंबई के हर एक पुलिस स्टेशन को बिना मास्क लगाने वाले 100 लोगों को पकड़ने का टारगेट दिया है। तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जिनके चेहरे पर मास्क नहीं होंगे उन पर बीएमसी के साथ साथ अब स्थानीय पुलिस की भी गाज गिर सकती है। बिना मास्क वालों से मुंबई पुलिस दंड तो वसूलती है लेकिन इसके साथ साथ अब उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट 188 और 2005 के तहत FIR भी दर्ज होगी। यह सब कुछ कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। बीएमसी का यही कहना है कि जो मास्क नहीं लगाएंगे उनसे पहले जो दंड वसूला जाता था उस दंड की राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले मास्क नहीं पहनने वालों से 200 रुपए वसूला जाता था, वहीं अब 500 रुपए उनसे वसूले जाएंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है जब फील्ड मार्शल से जुर्माना नहीं भरने के लिए लोग झगड़ा करने लगते हैं। इस दौरान पुलिस का कहना है कि आदेश सख्त है, पालन सभी को करना होगा। यदि किसी ने भी पुलिस के साथ बदतमीजी की या अभद्रता की तो उसके खिलाफ 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुंबई मध्ये बऱ्यापैकी हळूहळू आकड़ा जो करोनाचा आणि ओमायक्रॉनचा आहे तो कमी होताना दिसतोय, परंतु मुंबईकरांना मी विनंती करेन की प्रत्येकाने वैक्सीन घ्या। लस घेणाऱ्यांना जरी त्याचा प्रादुर्भाव झाला तरी तो सौम्य आहे, कारण 2021 फेब्रुवारीपासून ते अगदी या चालू आठवड्यापर्यंत आपण पाहिलं तर 94% जो मृत्यू आहे तो लस न घेणाऱ्यांमधला आहे। याच्यामुळे जास्तीत जास्त काळजी वाटते, म्हणूनच प्रत्येक मुंबईकरांनी या माध्यमातून मी प्रत्येकाला आव्हान आणि विनंती करते की प्रत्येकाने वैक्सीन घ्या, लसवंत व्हा। जास्तीत जास्त वैक्सीन घेतलेले हे वाचण्याकडे प्रादुर्भाव कमी करण्याकडे त्याचा कल दिसतोय, त्यामुळे प्रत्येकाने लसवंत व्हा।